अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा, आई एम डिजिटल मार्केटर ट्रेनर ब्लॉगर ब्लॉगिंग कंसल्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फेक लाइक्स। मेरी बात हो रही थी मेरे कजन से भी, तो हम यही कर रहे थे कि क्यों ना हम अपने पेजेस पे फेक लाइक्स जनरेट करके हम अपनी अच्छी बना लें, लाइक्स बना लें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर पर्टिकुलर मैं इसको मेंशन करके कह रहा हूँ कि उसके ऊपर हम अच्छी लाइक्स बना लें ताकि हम एक अच्छा एक इम्प्रेशन दे सकें। उन्होंने भी कहा कि देखें, अगर आप एक पेज है और उस पर लाइक ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा ट्रस्ट में देखेंगे, या एक पेज जिसके ऊपर लाइक्स कम हैं उसको ज़्यादा ट्रस्ट में देखेंगे। देखिए, वो भाई ज़्यादा लाइक्स वाले पेज की तो बात ही कुछ और है कि उसमें लाइक्स अच्छे हो, ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक्स जनरेट करना बहुत अच्छा है, मगर मैंने उनको कहा कि देर इज़ अ डार्क साइड एज वेल, एक नेगेटिव साइड है फेक लाइक्स की, जो मोस्टली लोगों को पता नहीं है, और मैं वो शेयर करने के लिए कर रहा हूँ। उसका आपको दो सेगमेंट्स में नुकसान है, एक आपको ऑर्गेनिक रीच में और एक आपकी पेड रीच में, दोनों जगह पे आपको नुकसान है। ऑर्गेनिक रीच में फेक लाइक्स का इसलिए नुकसान है क्योंकि जब भी फेसबुक पोस्ट देता है या इंस्टाग्राम पे जब भी आप कोई नई पोस्ट शेयर करते हैं, तो वो अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल को पहले वो ट्रायल पे देता है, शेयर होती है, उनका रिस्पांस आता है, वैसे वैसे वायरल होती जाती है पोस्ट। इसीलिए जो जरा फनी कॉमिक पोस्ट होती है उनकी वायरल ज्यादा आसानी से हो जाती है। अब जब आपकी लाइक्स ही फेक होंगी, डमी होंगी, तो जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आपकी पोस्ट शो होगी, चूंकि वो नॉन ओरिजिनल होंगे, तो उस वजह से आपको रिस्पॉन्स ही नहीं अच्छा मिलेगा। आज रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर उसके ऊपर जो है वो सेल नहीं होंगी, पोस्ट पे रीच नहीं मिलेगी तो फिर आपकी ऑर्गेनिक रीच तो गई भाड़ में। और जहां तक पेड रीच, पेड रीच की भी सेम स्टोरी है। बिकॉज ऑफ दिस आई डू नॉट रिकमेंड कि आइदर आप वो फेक लाइक्स को करें। अब पेड रीच में मसला क्या है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं, बट इफ यू आर टारगेटिंग पीपल हु लाइक अवर पेज, ये उन्होंने वो ऑडियंस भी बनानी होगी बिल्ड। तो जब उनका आपकी ऑडियंस ही डमी है, जब आपकी लाइक्स ही डमी है, तो फेसबुक को तो नहीं पता ना, फेसबुक को तो पता लाइक्स है। आप फेसबुक कह रहे हैं इन्होंने पेज लाइक किया है बट इनको कंटेंट पसंद नहीं आया, इट मींस दिस इज अ नॉन रिस्पॉन्सिव कंटेंट, ये पेज की तरफ से अच्छा कंटेंट नहीं आया, इसीलिए लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अब इसी वजह से डमी लाइक्स को मैं पसंद ही नहीं करता, वो कि वर्ल्ड वाइड पता नहीं कहां कहां से लाइक्स आते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, डमी अकाउंट्स होते हैं। इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूं सबको कि फेक लाइक्स और डमी लाइक्स के पीछे ना भागें, इनका कोई फायदा नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई, कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा।